नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में। ये मूवी है ना प्रोड्यूस की जा रही है अपने मोटा भाई द्वारा, जो है ना पूरे देश के मोटा भाई बन चुके हैं, जैसे जियो आया है। खैर इसीलिए यहाँ पे ना ये बात कभी और बात करेंगे, पर बात कर लेते हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर के बारे में। मैं कहूँगा देखा ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर वही बात जाती है ना कि ये चीज़ वो है ना लोग ऐसा नया क्या है जिसको देख के ना हम लोग थिएटर जाएँ, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कई बार अरे पर है ना मज़ा आता है। हाँ मज़ा तो आता है, मतलब मेरे कुछ डाउट्स है जैसे इसके बारे में हम लोग मैं आज बात करने वाला हूँ ट्रेलर के रिव्यू और रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेलर स्टार्ट कैसे होता है। ट्रेलर स्टार्ट होता है एक फाइटिंग में जिसमें ना दो गाड़ियाँ ठुक जाती हैं कि है ना, मतलब जल्दी पैर होता है तो ना कुछ और ठुकता है, पर इस बार तो सिर्फ गाड़ियाँ ठुक गई है। सॉरी फॉर द बैड जोक बट लेट्स कंटिन्यू। गाड़ी ठुकती है और उसका एक झगड़ा आर्ग्यूमेंट देखने मिलता है और उसके बाद है ना फ्लटिंग वगैरह चाली होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अब ब्लॉन्ड लोग है ना सूखे रेगिस्तान में ना कुछ हरी भरी घास दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, मज़ा आता है। उसके कॉमेडी वगैरह जो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर वो अपने को रोमांस वगैरह आगे बढ़ता है दिखता हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ना एक अजीब सा आइडिया, उस झुलू सा आइडिया आता है और वो कहते हैं वाह क्या आइडिया है, वाह ग्रेट आइडिया सर जी, उसको वो लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर अपने को पता चलता है कि उस आइडिया जिससे लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं उनके कल्चर वगैरह में, उनकी जो फैमिलीज वगैरह उनके अंदर डिफरेंस है, वो लोग बिल्कुल नहीं हो पाएंगे और आखिर में ड्रामा सारा ट्रेलर एकदम खत्म हो जाता है। तो पर्सनली ये है ना ट्रेलर ओवरऑल ट्रेलर था जिसकी मैंने आपको एक शॉर्ट में एकदम समरी दे दी थी। आप जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको ट्रेलर देखिए मज़ा तो आ जाएगा। ट्रेलर ऐसा कि आप एक बार देख सकते हैं और आप लोग कहेंगे कि हाँ देख सकते हैं देख लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो एक्टिंग करी है जो रणवीर सिंह, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी करी है और उनके अपोजिट जो रोल किया है आलिया भट्ट ने वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप है ना जब इतने सालों से काम कर रहे हैं और है ना लगभग आप सिमिलर रोल्स कर रहे हैं रोमांस वाले तो आपको एक्टिंग अच्छी करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हक देते हैं तो आपको मैं हक दे दूँगा, मैं गले मिल जाइए मेरे से, क्योंकि मैं भी ऐसे कर देता हूँ एक्चुअली एवरीबॉडी सबके सब। खैर इसी बात को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी सी चीज़ों के बारे में। ट्रेलर की जो कॉमेडी थी वो कॉमेडी अच्छी थी एक्चुअली, कई जगह पे आती है पर कई जगह पे नहीं आती, तो कॉमेडी एकदम ओके शोके से रहने वाली है, मतलब आपका अटेंशन स्पैन बना रहेगा मूवी में, आप देख के नहीं करेंगे कि भाई यार अरे यार मूवी में मज़ा नहीं आया, पता नहीं मेरा तो बीच में ना फोन चलाने लगा था तो मेरे को ऐसा लगा था अनटिल हिसाब है ना रील्स ये नशेड़ी ना हो है ना हर 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 10 सेकंड में आपको एक रील्स ना मिल जाए तो है ना आपको मज़ा नहीं आता, तो है ना आपका टेंशन स्पैन बना रहेगा। ये उसका मतलब बेसिक प्लॉट होता है जब है ना जब ड्रामा या रोमांस कॉमेडी ड्रामा रोमांस मूवी बनती है तो उसमें कॉमेडी डाल जाती है ताकि ना मूवी को इंगेजिंग करके बना रखे ना लोग बोर ना हो जाए, बेसिक बेसिक प्लॉट रहता है इसकी। कॉमेडी बिल्कुल वैसी ही है, उसको तो कुछ नया फील नहीं आती है। और अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में जिसको मैं लेकिन मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि जो ड्रामा है इसका, देखिए ये ड्रामा ऐसा क्या अलग है इस ड्रामा में जिसकी वजह से मैं थिएटर जाऊँ और इस चीज़ को मैंने पहले देखा ना हो। एक्चुअली जो फैंस है वो तो चले जाएंगे ना, जो रणवीर सिंह के फैन है और है ना जो आलिया भट्ट के फैन है वो तो चले ही जाएंगे क्योंकि उनको तो चिंता नहीं है भाई, पर है ना बाकी जो नॉर्मल ऑडियंस को कहेगी भाई मैं क्यों जाऊँ मैं ना, ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरीज देख रखी है क्यों, पर्सनली मैंने तो बहुत देखी है क्योंकि जब से बॉलीवुड मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे पैदा होने से पहले भी बॉलीवुड ऐसी है ना साल में एक दो मूवी लाता रहता है और जिसको देख के हम लोग कहेंगे वाओ क्या मूवी है, फिर कहते हैं इतनी भी खास नहीं थी। एट दी एंड में ये था मेरा रॉकी और रानी को कि प्रेम कहानी के जो ट्रेलर था उसको लेके, ट्रेलर अच्छा है अब देखते हैं, अभी बहुत जज करना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही गलत होगा, अब ये थे मेरे पर्सनली कंसर्न्स, पर मैं कोई एक्साइटेड हूँ देखते हैं क्या नया लाएंगे करण जोहर अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से हम लोगों को क्या चरम सुख प्राप्त करते हैं। जब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट।